गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? दोस्तों मैं आज आपके लिए एक छोटा सा अपडेट लेके आया हूँ आपके सामने, जो कि यूएई से इंडिया में कौन से भी सिटी में जाने के लिए या यूएई से पाकिस्तान में कौन से भी सिटी जाने के लिए आपको एयरपोर्ट में जाने से पहले किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है मैं आज आपको बताऊँगा। और सेकेंड थिंग, लगेज के बारे में भी बताऊंगा। जब आप लगेज आपके टिकट में आ जाता है, 30 kg है, आप 30 kg के ऊपर लेके जाते हो तो उसका चार्जेस एयरपोर्ट वाले कितना करते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो फर्स्ट, एयरपोर्ट से जाने से पहले डॉक्यूमेंट के बारे में बताता हूँ। एयरपोर्ट से जाने से पहले आपको डॉक्यूमेंट में पहला तो आपको पासपोर्ट कैरी करना होता है। कि आप किधर भी जाते हो तो आपको पासपोर्ट तो कंपलसरी है, आपको तो पता ही है, बिना पासपोर्ट के आपका टिकट नहीं निकल सकता है। तो सेकेंड प्रोसेस होता है आपका टिकट का। टिकट आप निकालते हो इंडिया के किसी भी सिटी का, जैसे कि मैंगलोर हो गया या मुंबई का निकाल लेते हो एग्जांपल। टिकट कंफर्म होने के बाद में आपको PCR टेस्ट करना कंपलसरी है दोस्तों। PCR टेस्ट आपको 72 आवर्स पहले या 48 आवर्स पहले आपको कराना होता है। आप PCR टेस्ट करते हो, PCR टेस्ट करने के बाद में आपको PCR का रिपोर्ट मिलता है। PCR का रिपोर्ट आपको हॉस्पिटल वाले या तो आपको व्हाट्सअप करते हैं या तो ईमेल द्वारा आपको सेंड करते हैं। ये प्रोसीजर होने के बाद में दूसरा आपको थर्ड प्रोसीजर में आना होता है, जो कि आपको ट्रैवल एजेंसी के पास में, जहाँ से भी आपने टिकट बुक कराया होता है, वहाँ पे आपको PCR टेस्ट का रिपोर्ट देना होता है। तो लोग क्या करते हैं दोस्तों, PCR टेस्ट का रिपोर्ट करने के बाद में वो लोग एक फॉर्म फिलअप करते हैं। फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म रहता है जो कि फिल करते हैं लोग। फिल करने के बाद में वहाँ से आपको तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो आपको दिया जाता है। वो भी बहुत ही कंपलसरी है। आप एयरपोर्ट में जाते हो तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको पूछा जाता है और PCR टेस्ट पूछा जाता है। और आपको चौथा आपको क्या करना होता है, कंपलसरी आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके जाना होता है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जैसे कि यूएई में आपने 2 वैक्सीन किया हुआ है या 3 वैक्सीनेशन किया हुआ है तो उसका एक सर्टिफिकेट रहता है, आपको तो पता ही होगा, या तो मोबाइल ऐप में भी होता है, लेकिन आपको मोबाइल ऐप का मोबाइल में नहीं दिखाना होता है, आपको हार्ड कॉपी ही लेके जाना होगा दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूँ, हार्ड कॉपी, हर चीज़ का हार्ड कॉपी ही लेके जाइए। आप 2-2 कॉपी लेके जाइए। जैसे कि आप पासपोर्ट करते हो तो पासपोर्ट का भी जेरोक्स लेके जाइए, वो अच्छा होगा आपके लिए। और आप PCR करते हो, PCR का भी आप जेरोक्स लेके जाइए 2 कॉपी। आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का भी आप 2 कॉपी लेके जाइए, टिकट का भी 2 कॉपी आप लेके जाइए। ये डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट होती है। आप जब एयरपोर्ट में इंटर करते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट, ये सब चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं आता हूँ दोस्तों आपके सेकेंड टॉपिक पे, आता हूँ लगेज के ऊपर। लगेज का ऐसा सीन है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा हो चुका है कि मैं एयरपोर्ट में जा रहा था कि मेरा 30 kg का मेरा लगेज था। मैंने 30 kg के ऊपर मेरा 3 kg मेरा बढ़ गया था, तो उन्होंने क्या कहा था कि पर kg आपको 70 dirham का चार्जेस होगा। तो दोस्तों कई ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं यहाँ से, तो क्या होता है कभी कभी हम लोग वजन नहीं करते, वजन नहीं करने के बाद में लगेज ज़्यादा हो जाता है और हमको पता नहीं चलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एयरपोर्ट में वजन करवाने के लिए जाते हैं तो उन लोग हमसे कितना पर kg 70 dirham चार्जेस करते, तो हमारे पास में पैसा नहीं होता। तो कितने लोग क्या करते दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा। वो बोलते हैं कि नहीं यार, ये इतना चार्जेस तो बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर ही थ्रो करके चले जाते हैं। उन लोग बोलते हैं यहाँ पे रखिए आपका सामान, आपको रखना है तो ठीक है। इससे अच्छा है कि मैं आपको एक सजेशन दूंगा, आप एक काम कर सकते हो, जो कि जहाँ से आपने टिकट बुक कराया है ट्रेवल एजेंसी से, उनको बोल देंगे तो उन लोग भी आपका वजन बढ़ा के देंगे। जैसे कि आपका पर kg का वजन आपको 40 dirham का चार्जेस लेता है, वो आपको सस्ता गिर जाता है। तो इससे बेटर है कि आप एयरपोर्ट में जाके पैसा मत दीजिए 70 dirham पर kg। या तो आपके पास में पैसा नहीं होता तो या तो अपना कीमती जो भी सामान होता है, हम अपने फैमिली के लिए चॉकलेट लेके जाते हैं या कुछ भी चीज़ लेके जाते हैं, तो सामान को फेंकने से अच्छा है कि आप एक काम कीजिए कि वेट पहले से ही बढ़ा के ले लीजिए। तो दोस्तों ये था छोटा सा अपडेट आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।